हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल वाई आर एस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान जो कि आपके सामने है। यानी रसायन विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे अध्याय चार, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। यानी इस अध्याय चार में जितने भी बहुविकल्पी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को आपके सामने एक बार पुनः लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन इतना है कि यदि आपने अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि वो पिछला जो वीडियो बनाया गया है आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। ठीक, तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ। तो प्रश्न नंबर एक कह रहा है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम है, एक यौगिक है क्या? एसिटाल्डिहाइड। यानी एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म एक नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, IUPAC का नाम क्या होता है? तो हम आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी जो IUPAC है, इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, मैं उन सही ऑप्शन को आपको बताता हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका है एथेनॉल, बी ऑप्शन है एथेनल, सी ऑप्शन है एथीन, जबकि डी ऑप्शन है एथाइन। यानी जो एसिटाल्डिहाइड है, इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, उस बी का नाम है एथेनल। यानी एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एथेनल। ये जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को आप जो IUPAC जो हैं, जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में और जो बताऊँगा अगली वीडियो में, उन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न नंबर दो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर दो आपसे कह रहा है, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? यानी जो एसीटोन है, उस एक यौगिक है, उसका उस यौगिक का IUPAC नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए आपका है ब्यूटेनोन, ऑप्शन बी आपका है प्रोपेनोन, सी ऑप्शन है ब्यूटेनॉल, जबकि डी ऑप्शन है प्रोपेनॉल। यानी एसीटोन का IUPAC नाम इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बी ऑप्शन है आपका प्रोपेनोन। यानी जो प्रोपेनोन है, ये एसीटोन का IUPAC नाम है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर तीन की तरफ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। तो उम्मीद करते हैं आगामी परीक्षा जो होने वाली है, ऐसे प्रश्न आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तो प्रश्न नंबर तीन आपसे कह रहा है, CH3COCH3 का IUPAC नाम है, एक कार्बनिक यौगिक है CH3COCH3, उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका है प्रोपेन, बी ऑप्शन ब्यूटेनोन, सी ऑप्शन प्रोपेनोन, डी ऑप्शन है प्रोपेनल। यानी जो CH3COCH3 है, इसका IUPAC नाम इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, प्रोपेनोन है। यानी ये प्रोपेनोन है, ये CH3COCH3 का IUPAC नाम है। इसे हम कहते क्या है? एसीटोन कहते हैं। यानी जो CH3COCH3 है, इसे क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं। ठीक, यानी एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? प्रोपेनोन, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, प्रोपेनोन। तो प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर चार की तरफ, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर चार आपसे कह रहा है, C2H6 का IUPAC नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी जो C2H6 है, एक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। क्योंकि यहाँ C2H6 है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका है मेथेन, बी ऑप्शन है एथेन, सी ऑप्शन एथाइन, डी ऑप्शन एथिलीन। यानी जो C2H6 है ये क्या है, इसका IUPAC नाम होता है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, एथेन। यानी एथेन का, एथेन जो है C2H6 का IUPAC नाम है। क्यों, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, एथिलीन क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। यानी जो एथिलीन क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट है ये क्रिया करके क्या देता है, एथिलीन जो है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका है एसिटिलीन, बी ऑप्शन एथेन, सी ऑप्शन ग्लाइकॉल, डी ऑप्शन है एथिल एल्कोहल। आपको इतना याद रखना है जब एथिलीन की क्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं जिसका सूत्र होता है KMnO4। ये क्या है, एक यौगिक है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। यानी पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है कुएं में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। कुएं में जीवाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न इतना ही आपसे कह रहा है, एथिलीन क्षारी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है। ऑप्शन ए आपके एसिटिलीन, बी ऑप्शन एथेन, सी ऑप्शन ग्लाइकॉल, डी ऑप्शन एथिल एल्कोहल। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ग्लाइकॉल। जब एथिलीन की क्रिया हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं तो आपका ग्लाइकॉल बनता है। प्यारे बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कह रहा है, जो कि ये भी एग्जाम में अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। ऑप्शन ए आपका 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है, डी ऑप्शन 4 है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका सही, जो कि 1 है। अब समझते हैं जो एस्टिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। यहाँ पर क्या है, COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी बॉन्ड COOH एक कार्बोलिक समूह है। इसमें क्या होता है, H धनात्मक होता है और CH3OO ठीक, यानी COO ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। यानी जब हाइड्रोजन पर धनायन होता है, हाइड्रोजन क्या होगा आपका दाता कहलाता है, ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है। यानी इतना ही आपको जानना है एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रोपेनॉल है, यहाँ से कुछ फार्मूला दिया जा रहा है, उस फार्मूले प्रोपेनॉल का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन ए आपका है C3H5OH, बी ऑप्शन है C2H5OH, सी ऑप्शन C3H6OH, डी ऑप्शन है C3H7OH। प्रोपेनॉल का सही सूत्र है इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, C3H7OH। ये आप एक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, जिसमें OH का हाइड्रोक्सिल समूह क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है ठीक, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। इस हाइड्रोक्सिल समूह में जो प्रोपेनॉल है, इस प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, जो कि अंतिम प्रश्न होंगे इस वीडियो के। प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है, निम्न कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक क्रियात्मक समूह वाला है। ऑप्शन है आपका है CH3COOH, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल है, जिसमें COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। बी ऑप्शन है CH3COCH3, बी ऑप्शन है HCOOH, बी ऑप्शन है CH3CH2OH। यानी कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक क्रियात्मक समूह कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों ये था अध्याय 4 का
कार्बनिक और उसके यौगिक, यानी इस अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे बहुविकल्पी के, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बता दिया। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल YRS क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।